मुंबई के गोरे गांव में छेड़छाड़ के मामले में एक ओला कैब ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। फिलहाल आरोपी को 23 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मामले की सूचना देते हुए आरए पुलिस उपनिरीक्षक सचिन पांचाल ने बताया कि आरोपी की पहचान 29 वर्षीय मुरारी कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो गोरे गांव में रहता है। वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। हम ये भी पता लगा रहे हैं कि क्या उसके खिलाफ पहले से कोई मामला है। एक छोटी लड़की मुंबई टर्मिनल्स विले पार्ले 2 से अपने घर मयूर नगर पिकार्डली 3 में यहाँ पे आ रही थी। जब वो आते समय उन्होंने ओला के एक गाड़ी बुक किया था, उसमें बुकिंग करके जब वो बैठी, उसे अकेला पाकर ओला के कार चालक ने उसको ऐसा कहा कि आपके तो कोई फ्रेंड नहीं होंगे, आप मेरे फ्रेंड बनोगे क्या। इस पर उसने कुछ भी मतलब रिएक्शन दिया नहीं। बाद में वो पूरे प्रवास के दरम्यान उसने उसको 80 नज़र से एक तक से देखा उसको। और जब वो पिकार्डली 3 में अपने घर आ गई, तब उसने ऐसा कहा कि अगर आपके पास छुट्टे पैसे नहीं है तो नीचे चलो, मैं आपको छुट्टे पैसे देता हूँ। ऐसा बोलकर वो छोटी बच्ची को उसने आँख मार दिया। ये सब हकीकत उसने अपनी माँ को रात को शाम 7:30 से 8 बजे से आने के बाद अपनी माँ को बताया। जैसे ही माँ ने हमको आके पुलिस स्टेशन में 9:30 के आसपास पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने हमको रिपोर्ट किया, तभी सभी घटना हमारे आदरणीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री शेखर डोंबे साहब को हमने बताई। उनके मार्गदर्शन से हमने वो FIR उसका दाखिल कर दिया और सबसे तुरंत हमने उसको अरेस्ट कर दिया। और आज उसको अरेस्ट करके माननीय मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया है। तो माननीय कोर्ट ने उसको 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दिए। आरोपी मतलब ओरिजिनल फ्रॉम बिहार से बिलोंग करते हैं। वो गोरेगांव पश्चिम भगत सिंह नगर जो है वहाँ पे वो उनके चचेरे भाई के साथ रहते हैं। दूसरे पुलिस स्टेशन में अगर कुछ गुनाह वगैरह है तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। आरोपी का नाम क्या सर? उसका नाम है मुरारी कुमार सिंह। उसका उम्र है 29 ईयर्स। दरअसल 25 मई की सुबह करीब 10 बजे जब नाबालिग मुंबई एयरपोर्ट से घर आने के लिए ऑनलाइन टैक्सी कर रही थी, तो वहां मुरारी कुमार सिंह के टैक्सी ड्राइवर ने कार में उससे कहा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी। जब नाबालिग ने कुछ नहीं बोला तो वो पूरे रास्ते उसे घूरता रहा। जब नाबालिग अपने बिल्डिंग के पास उतरी और किराए के लिए छुट्टा नहीं होने की बात कहकर घर से छुट्टे लाकर देने की बात कही, तो ड्राइवर ने लड़की को अश्लील इशारे करते हुए बेहद अभद्र टिप्पणी की। इस पूरे मामले के बारे में नाबालिग ने घर पर जाकर अपनी मां को बताया तो परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं आरोपी कैब ड्राइवर को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गोरेगांव में हुई इस घटना ने सबको चौंका दिया है। कैब ड्राइवर द्वारा की गई इस शर्मनाक घटना ने सबको सकते में डाल दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कैब ड्राइवर द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया हो। इससे पहले दिल्ली, हरियाणा, बैंगलोर जैसे बड़े और सुरक्षित कहे जाने वाले शहरों में भी कैब में छेड़छाड़ की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। ऐसे में ओला और उबर जैसी ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनीज पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होना लाजमी है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आप वक्त से पाएं।